Assalamualaikum. जी भाई साहब अच्छा आप सब ठीक ठाक हैं जी आ, आप लोगों का किसी का भी क्वेश्चन है अगर कोई प्रीवियस लेक्चर से कल की क्लास से तो आप पूछ सकते हैं और अगर नहीं है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास आज की किसी का कोई भी क्वेश्चन है कल की क्लास से तो आप पूछ सकते हैं जी प्लीज स्पेसिफिकली uh, so मतलब कल की क्लास से नहीं लेकिन ओवरऑल से सवाल है कि जो हमने पढ़ना होगा ठीक है आप यहाँ पर हमें गाइड तो करेंगे चीजें वगैरह सिखाएंगे लेकिन जो पढ़ना होगा उसके लिए कोई उनका जो बेर एक्ट है कैनेडियन इनकम टैक्स एक्ट उसी को पढ़ें या कोई रिकमेंडेड बुक है जिसको के साथ ऐसा रेफरेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है

ये गाइड्स जो उन्होंने बनाई हैं वो पढ़ रहे होते हैं तो नॉर्मली तो सीपीए भी जो है वो भी एक्ट नहीं पढ़ते उनके एक्ट जो लिखा जाता है वो बड़ा एक लीगल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसको समझना इतना आसान है ही नहीं किसी भी एक्ट को वही समझ सकता है इसको लीगल लैंग्वेज का पता हो लीगल चीज़ों का पता हो तो मैं आपको उस डिफ़िकल्टी में नहीं डालना चाहता कि आप वहां जाएं और आप बात में कहेंगे यार ये तो मैं पता नहीं किस मुसीबत में पड़ गया तो जो आसान वे सीआरएन यार खुद डिफ़ाइन किया है उनकी जो पब्लिकेशंस हैं

लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि एक्ट पे मत जाइएगा क्योंकि वो आपको इस तरह से लिखा होता है इस वे से लिखा होता है कि आपको समझना इतना आसान नहीं है उसको ठीक है या चैट में दो मोर मैसेजेज है क्लाइंट हमें खुद से सर्च करना होगा या आप प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट तो आप लोगों ने जो है वो खुद ही ढूंढना है और हाँ ये मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए अगर आप ये कोर्सेज़ अच्छे तरीके से कर लेते हैं और जो आप में लोग होंगे पोटेंशियल लोग होंगे जो मुझे लगेगा कि यार वाकई इन्होंने ये काम सीखा है और अच्छे से किया है और सारी क्लासेस में भी आप रेगुलरली आते रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जहाँ पे भी जब भी कोई जॉब राइज होगी तो मैं आपकी किसी भी वहाँ फॉरवर्ड कर दूंगा और क्लाइंट अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाह रहे हैं खुद से करना चाह रहे हैं तो फाइवर अपवर्क है

रूल्स एंड रेगुलेशन है वो टोटली totally डिफरेंट है लेकिन कैनेडियन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है यूएसए से तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि वो कॉपी करते हैं उनको कनाडा वाले यूएसए <coughs> को लेकिन फिर भी जो लॉज़ हैं वो सारे डिफरेंट हैं जो टैक्सेशन लॉज हैं वो दोनों के आ, वो आ, उनके डिफरेंट हैं इनके डिफरेंट हैं उनकी जो फाइलिंग स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और दो तो चीज़ें काफ़ी हद तक सेम है मैच करती हैं लेकिन क्योंकि डोरिस्ट डरिस्टिक्शन तो ना डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली उनके लॉज एंड रेगुलेशन डिफरेंट हैं उनकी बॉडीज़ डिफरेंट हैं वहाँ पे एक डिपेंडेंट के जिस तरह बेनिफिट होते हैं वो डिफरेंट तरीके से क्लेम होते हैं उनके डिफरेंट एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज़ हैं यहाँ पर डिफरेंट है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं कुछ चीज़ें इन्फ्लूसड करती हैं कैनेडा के ऊपर क्योंकि वो उनके साथ हैं तो वो उनका काफ़ी यूएसए का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुन्स है कैनेडा के ऊपर ये सॉफ़्टवेयर में आप खुद से अगर आप थोड़ा माइक ऑन करके ये सवाल कर लें ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो आगे जाके आपके लिए क्लाइंट से किस तरह बात करेंगे आप तो सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली अभी मैं सॉफ़्टवेयर ही ओपन करने लगाऊँ और मैं सॉफ्टवेयर पे आपको दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर पर रिटर्न आई पेज को हम डिस्कस करेंगे एज़ पर हमारे जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है उसके मुताबिक तो वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली सॉफ़्टवेयर के ऊपर ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे नाइन्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आप काम करेंगे अच्छा अगर कोशिश करें कि आप माइक से पे क्वेश्चन करें ज्यादा बेहतर है, की जी आप प्लीज क्या है? जी सर, ए, मेरा एक सवाल का जवाब तो आपने टैक्सेशन के बारे में जो आपने बताया कुछ चीज़ें काफी सारी चीजें टैसे भी रहे हैं या कुछ डिफर भी है तो हमें या उसमें किस तरह से यूएस करना है हमें वो कब तक शुरू अगर आप यूएस सीखना चाहते हैं तो फिर यूएस सीखें देखें मेरा वो वाला मामला नहीं है मैं आपको मिस गाइड करूँ यहाँ पे अगर आप यूएस सीखना चाहते हैं तो यही हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन जो है वो यूएस के टैक्सेस भी करा रहा है आप उसमें इनरॉल हो सकते हैं लेकिन अगर आप कहें कि यार मैं कैनेडा का टैक्सेस सीख के और एकदम से मैं कहूँगा मुझे यूएस टैक्सेस आते हैं ऐसा नहीं हो सकता यूएस की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन है तो आपको सेपरेटली सीखने पड़ेंगे अगर आप क्रॉस बॉर्डर टैक्स अकाउंटेंट बनना चाहते हैं आपको दोनों सीखने पड़ेंगे

जी सलाम। हाँ सर मुझे पूछना था कि पाकिस्तान की जो मार्केट है है है? इसमें ऑनलाइन यूएसए टैक्सेशन टैक्सेशन का है का ज्यादा स्कोप स्कोप या कनाडा के मतलब काम किसका इजीली मिल जाता है? काम दोनों का ही मिल जाता है ऐसा नहीं है कि काम या कनाडा का की मार्केट बहुत बड़ी है अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है उसकी मार्केट

हजरत कल लास्ट टाइम की क्लास तो बड़ी तो अच्छी वाले वो हमें प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब का ताकि वहां से हम वीडियो डाउनलोड कर लें ताकि वो एक स्टडी मटीरियल बनता रहे साथ जी जी सब कुछ आपको देंगे और जो भी ऑप्शन है ना उनकी सारी वो एड में नहीं बता सकती आपको Uh, तो वो उसमें जो ए, ए, अपना है आमिर साहब हैं जो भी मतलब आमिर साहब इसको मेरे ख्याल है इसको मैनेज कर रहे हैं सारे को डिफरेंट एडमीज हैं तो आमिर साहब इस कैनेडियन को देख रहे हैं तो आमिर साहब जो है वो इस ग्रुप में भी इससे अभी जो ट्रेनिंग सेशन हमारा चल रहा है इसमें भी मौजूद है और बाद में भी आप उनसे जो है वो राबा कर सकते हैं तो वो इनशाला आपको सारी ये डिटेल्स जितनी भी ये जो वीडियो जो से रिलेटेड डिटेल्स है ना सारी की रिकॉर्डिंग हो रही है लिंक कहाँ से मिलेगा

तो दो क्लासेस जो है उसकी आज की क्लास जो अभी आपकी हो रही है और जो कल आपकी क्लास आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जी, सक... जी थैंक यू किसी और कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं से रिलेटेड अगर कोई एडमिन से कोई सपोर्ट से रिलेटेड है तो आप एडमिन से कर सकते हैं कोई से रिलेटेड है तो आप उससे कर सकते हैं अदरवाइज नहीं तो हम फिर जो है वो स्टार्ट करते हैं आज आपको मैं सॉफ्टवेयर जो है वो दिखाता हूँ चलो जी ठीक है मेरा ख्याल किसी कोई सवाल नहीं है हम स्टार्ट करते हैं अच्छा बस ये बताइएगा कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही हाँ जी नजर आ रही है बिल्कुल बिल्कुल आ रही है बस ठीक हो गया नज़र आ रही है वेरी गुड अच्छा सबसे पहले मैं बता ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है पर्सनल टैक्स प्रेप 2022 ट्वेंटी टू डेमो वर्जन ये जो सॉफ्टवेयर है ये वॉल्टर क्लोवर्स का है वॉल्टर क्लोवर्स के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ आपको कि एक ऐसी कंपनी है जो मल्टी कंट्रीज़ में काम कर रही है इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के ये इनके सॉफ्टवेयर हैं और ये ना सिर्फ यूएसए के सॉफ्टवेयर हैं इनके यूएसए के भी हैं इनके कनाडा के भी हैं इनके यूके के के भी हैं इनके, है, इनके इंडिया के भी हैं जो बड़ी बड़ी आ, आप कह लें कि कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉग हैं उन सब में ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इन्होंने अपनी जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और ये काफ़ी कॉस्टली भी हैं अच्छा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो बहुत सस्ते हैं और बड़े मतलब हैं कि जिसपे हम काम कर सकते हैं लेकिन मैं आपको ये मैंने यही सॉफ्टवेयर ही क्यों चूज़ किया आपको करवाने के लिए क्योंकि तो अगर आप मुश्किल चीज़ सीख लेंगे मुश्किल चीज़ पर काम करना सीख लेंगे जो ज़्यादा इन डेप्थ आपको डिटेल्स बताता है सॉफ्टवेयर उस पर अगर आप काम करना सीख लेंगे तो फिर किसी में भी आप आसान सॉफ्टवेयर पे भी आप आसानी काम कर लेंगे ठीक है पहली चीज़ तो यह दूसरी चीज़ जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं वो इन्हीं के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती हैं तो अगर आप यहाँ से कहीं भी जाते हैं और बताते हैं जी कि मैंने सी सी एच एक्स एस सी सी एच टैक्स प्रैप के ऊपर वॉल्टर क्लोवर्स के टैक्सप्रैप के ऊपर मैंने काम किया हुआ है तो वो एक वर्थ हिट है ना कि सिर्फ ये एक जो नॉलेज है टैक्स का बल्कि प्रैक्टिकलिटी जो सारी फर्म्स में चल रही हैं वो यही सॉफ्टवेयर मेजोरिटी में यूज़ कर रहे हैं जो प्रो कनेक्ट हो गया बाकी सारे सॉफ्टवेयर हो गए वो रैंकिंग में इनसे बहुत नीचे हैं अगर आप रैंक करें इन सारे सॉफ्टवेयर को तो जो टॉप फाइव सॉफ्टवेयर हैं उसमें ये सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि इनका हाई कॉस्टली है और मजोरिटी ऑफ द फर्म्स इसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रही हैं और यही सॉफ्टवेयर अच्छी बात ये है कि वो लोग जो क्रॉस बॉर्डर की ख्वाहिश रखते हैं कि हम यूएस भी सीख लें कनाडा भी सीख लें क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टैक्सेस सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हैं सबसे ज़्यादा पैसा वहां से कमा सकते हैं और मैं खुद भी क्रॉस बॉर्डर टैक्स अकाउंटेंट ही हूँ मैं यूएस भी करता हूँ और कनाडा भी करता हूँ दोनों साइडें करता हूँ तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्रॉस बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे फ्यूचर में देखते हैं कि अच्छा मैंने ग्रेडियन टैक्स सीख ली अब मैं, मैं यूएस भी सीख लूँ ताकि मैं ये चीज़ भी कवर कर सकूँ ये एरिया भी कवर कर लूँ तो उसमें यह सॉफ्टवेयर सबसे बेहतरीन है कि इसमें आप क्रॉस बॉर्डर टैक्स रिटर्न भी बना सकते हैं आपको जो मैं कोर्स करवाने जा रहा हूँ कैनेडियन साइट के ऊपर उसके अंदर यूएस से अगर कोई इनकम आ रही है कोई रेंटल इनकम आ रही है कोई इंप्लायमेंट इनकम आ रही है कोई इंटरेस्ट आ रहा है कोई डिविडेंड आ रहा है कुछ भी आ रहा है उसको कैसे टैकल करना है कनेडियन साइड के ऊपर मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा कनेडियन साइड का जो क्रॉस बॉर्डर है वो सारा कवर होगा और कनाडा से यूएस में कोई चीज़ जा रही है तो ऑब्वियसली मैं यूएस कवर नहीं कर रहा या मैं पढ़ा नहीं रहा जो भी कोई यूएस कोर्स करवा रहा है वो इस चीज़ को आपको टैकल करेगा पढ़ाएगा हमारा प्लान है इन फ्यूचर इंशाल्लाह कि हम एक क्रॉस बॉर्डर का भी कंप्रीहेंसिव जो है वो एक आ, जो है करें इसका कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करें लेकिन वो काफ़ी जो कि एक्सपेंसिव होगा तो इसलिए भी हम उसको स्टार्ट नहीं करेंगे उसकी फीसिस भी ज़्यादा हैं उसके लिए सॉफ्ट भी ज़्यादा चाहिए उसके लिए अरेंजमेंट्स भी चाहिए तो अभी इसलिए उसको हम कर नहीं रहे उसको भी हम अब मतलब उसके ऊपर काम जो है आई काम कर रही है उसके ऊपर अभी लेकिन इन फ्यूचर इनशाला उसको भी हम लॉन्च करेंगे जी मोहसिन साहब आपने हाथ खड़ा किया गलती से कर दी है? तो बेसिकली ये क्लोवर्स का सॉफ्टवेयर है और इस पे हम काम करेंगे आज जो हमारा आ, सबसे जो पहली चीज़ है एज़ पर हमारी जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है उसके मुताबिक जो हमने चीज़ सीखनी है वो आईडी पेज है आइडेंटिफिकेशन एंड अदर क्लाइंट इंफॉर्मेशन आपके पास जो भी कोर्स ऑफ लाइन है इसकी जिसमें मैंने सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिए सारी क्लासेस को डिवाइड कर दिया हुआ है इन एडवांस ताकि आपको पता हो कि हमारा ट्रैक क्या है और हम किस ट्रैक पर चल रहे हैं तो आप जो है उसको देख सकते हैं सबसे पहले जब हमारे पास चेक लिस्ट आ जाएगी अगर आपको कल का लेक्चर याद हो कि मैंने चेक लिस्ट सारी इन डिटेल डिस्कस की थी कि चेक लिस्ट क्या होती है उसे कैसे फ़िल करवाते हैं कब क्लाइंट को देती हैं इनिशियल मीटिंग क्या होती है ऑन बोर्डिंग क्या होती है और ये सारे चीज़ें हमने कल इन डिटेल डिस्कस की थी तो जिन लोगों को जिन लोगों ने क्लासेज़ नहीं ली क्लास कल की नहीं ली तो उन्होंने परेशान नहीं होना वो सारे लिंक वगैरह एडमिन आपको प्रोवाइड कर देंगे आप वो कल वाली क्लास देखेंगे जब तो आपको जो आज वाली क्लास है आप उसको फिर लिंक कर सकते हैं उसके साथ ठीक है

फिर उसके बाद कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको ई e फाइल करने के लिए थोड़ा सा चार्ज करते हैं पैसे आप उनके थ्रू ई फाइलिंग कर सकते हैं ठीक है थीक उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप यूएस में अगर कोई आपका फ्रेंड है कोई दोस्त है कोई कजन है कोई फैमिली मेम्बर है तो आप उससे रापता करके उससे कहें कि आप ई e फिन ले लें ले, वहाँ छोटी सी कंपनी बना लें तो इस तरह से आप कर सकते हैं कोई भी जो चीज़ है ना अपना जुनेसा वो इतनी आसान नहीं है कि आपको मतलब ईजी वे से मिल जाए उसके लिए थोड़ा कोई बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है ऑल दो चीजें इतनी सीधी और सिंप, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती सारी चीजें जो भी आप बिजनेस को अगर आप डिजाइन करते हैं उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं उस चीज के अंदर उसको सोल्यूशन ढूंढना है ना कि उसको छोड़ देना चीजें होती हैं और यहाँ लोग कर भी रहे हैं और पैसे कमा भी रहे हैं और मैं अभी मेरे जो एक प्रीवियस फार्म से कलीग हैं उन्होंने वो पिछली फार्म में स्विच करके अगली फार्म में चला गया उन्होंने वो फर्म छोड़ी है तो वो किसी जगह पे जॉब नहीं कर रहे अलहदिल्ला वो घर बैठ के साढ़े तीन लाख रुपया महाना कमा रहे हैं तकरीबन घर बैठ के वो साढ़े तीन लाख मैंने आपको फिगर भी बता दी ताकि आपके जेहन में कोई डाउट ना रहे तो अगर वो बंदा भी कर सकता है तो उसका मतलब है कोई भी कर सकता है और जो भी रिसोर्सेज अरेंज करने होते हैं वो आपको अरेंज करने पड़ते हैं जहां जहां पे आपकी प्रॉब्लम है तो कुछ भी है सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान बैठ के कैनेडियन भी हो सकते सर्विसेज दे सकते हैं दे दे रहे हैं लोग मैंने आपको बताया कि एक दोस्त था जो मेरा जो पिछली फर्म से था मेरा बैच मेंट था वो वो साढ़े तीन लाख रुपए कमा रहा है कमारा पर मंथ तकरीबन घर बैठ के लेकिन अगेन कि आपने अपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व सो, सोर्ट आउट करना है ऑब्वियसली आप ईफिन नंबर आप अपने नाम पे नहीं ले सकते क्योंकि आप यूएस सिटीजन नहीं है तो उसका जो भी एक पैटर्न है वो आपको करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा किसी सीपी के साथ अभी लाख हो सकते हैं यूएसए के किसी कंपनी के साथ लग सकते हैं एटलीस्ट स्किल्स तो आपके पास आ गई है जब आपने काम सीख लिया कि मैंने ये काम सीख अब उसको बेचना है बेचना एक अलदा स्किल है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हमारे आती है पाकिस्तान में ज़्यादातर कि हम एक स्किल तो टेन कर लेते हैं स्किल ले लेते हैं लेकिन हमें बेचनी नहीं आती तो वो बेचना एक अलग से स्किल है वो आपने किस तरह बेचनी कौन कौन से रस्ते हैं वो आपने फिर तलाश करने हैं हमारा ही यहाँ पर एक बैच का स्टूडेंट है उसने लिंकड पे अपनी पोस्ट डाली हुई थी जो रिसेंटली उसने ज्वाइन किया है उसने अच्छी खासी अमाउंट एक साल में कमाई है मैं उसको जो है ना वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता यहाँ के यहाँ पे भी

हर बंदे को तो लाजमी नहीं नहीं है जैसे वो उस जॉब मिल जाएगी या हर बंदे को वो कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो फ्रीलांसर टाइप होते हैं वो कहते हैं जी मैं घर बैठे सारा काम कर लूंगा लेकिन पाकिस्तान में तो इजीली बन जाता है वहां पर करने के लिए मुझे जाहिर बात है पीटीएन नंबर चाहिए होगा जो टैक्स कंसलटेंट सर्विस का नंबर है तो वो तो इजीली नहीं मिलता अब सेम लाइक प्रोसेस कनाडा में भी मेरा ख्याल से पीटीएन मिल जाता है पीटीएन मिल जाता है पीटीएन मिल जाता है किसने कहा आपको नहीं मिलता आपने ट्राई जब ये कर

किसी जगह पे भी आपको ई फाइलिंग का इशू आता है तो वो मैं आपको डिटेल चीज़ें प्रोवाइड करूँगा आपकी मैं रिटर्न ई फाइल करवा दूंगा क्लाइंट ले आए हैं आप, आपने उससे इनिशियल इंगेजमेंट कर, कर ली है आपने उससे पैसे डिसाइड कर लिए हैं आपकी वो रिटर्न आपने बना लिया ई फाइलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है मैं आपको बताऊँगा इस सॉफ्टवेयर पर बनाएं इस तरह बनाएं मैं आपकी ई फाइल करवा दूंगा वो रिटर्न मेन इशू तो ये है ना कि आप कह रहे हैं कि यार मेरी ई फाइल किस तरह होगी वो मैं उसके लिए मैं हाजिर हूँ मैं करवा दूंगा फिर वही बात आ जाती है, कि अगर आपने करवानी अपने जारी बात है फीस ना कोई भी अगर होगा तो वो सभी लेती है अकेला नहीं लूंगा मेरी भी, भी पॉकेट में नहीं जाएंगे पैसे जिस फॉर्म में मैं जॉब कर रहा हूँ उनको आपको आपका जो क्लाइंट है बेसिकली पे आप काम करेंगे उनको मैं कहूंगा जी कि ये क्लाइंट है इसकी फाइल करनी है वो कहेंगे जी इतने चार्जेस हम इस पर चार्ज करेंगे वो चार्ज करेंगे आपके पैसे आपके रेदर देन के कुछ भी ना कमाएं <laughs> ये एक सवाल है जरूरी रदन रा कुछ भी ना कमाएँ और अगर आप अपनी क्लाइंटिज बना लेते हैं और उसके ऊपर फेस आपका ही है हमारा फेस भी नहीं है तो उसमें और क्या चाहिए आपको आपको तो ई तो फाइलिंग का एक प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया आपका अगर मुझे कोई इस तरह देता तो मैं ऑप्शन ही कर लेता हूँ मैं अपनी मिसाल भी देता हूँ अगर मुझे भी कोई ऐसी ऑप्शन देता है तो ठीक है अगर मुझे पता है रिलायबल सोर्स है उस पर मैं जो है वो अपना बिलीव कर सकता हूँ कि ये मेरे लिए कोई इस तरह का इशू क्रिएट नहीं होगा तो मैं उसके ऊपर मतलब ठीक है मैं अपने क्लाइंट से ई फाइलिंग करवा लूंगा उससे ऑल दो एक लिमिटेड ऑप्शन हैं डिफरेंट चार पाँच दस ई आप कर सकते हैं इनिशियल वो आप उसमें भी, भी कर सकते हैं जाके लेकिन उसके बाद ज्यादा नहीं कर सकते आप तो फिर आपको कोई ना कोई सी पी ए चाहिए होता है या कोई ना कोई फर्म चाहिए होती है या कोई ऐसा बंदा जो वहाँ पे है कैनेडा के अंदर जो चाहे सी पी ए नहीं है कुछ भी नहीं है तो आप उसे कहें यार कंपनी करें वहाँ पे कंपनी के बेस पे आप, आप यहाँ पर बैठ के अगर हम एलएलसी रजिस्टर कर लेते हैं यूएस में एलएलसी रजिस्टर कर लेते हैं और उसकी बेस पे वर्किंग करते हैं तो ये पॉसिबल है हाँ हो सकता है हो सकता है बिल्कुल हो सकता है डिफरेंट तरीके हैं जुनेद आपको वो ढूंढने पड़ेंगे यूएस की साइड चूंकि मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा यहाँ पे कनेडियन साइट है और कनेडियन का अगर आपका है तो उसमें भी इसी तरह कंपनियाँ बनाएंगे वहां लिमिटेड कॉर्पोरेशन और इसको आप रजिस्टर्ड करेंगे वहां पे एक बंदा होना चाहिए आपका जानने वाला जो आपके बिहाफ पे वो अपना सिन जो है इस्तेमाल करे वो वहां पे मेजोरिटी शेयर होल्डर वो होगा आपका आपस में एक एग्रीमेंट होगा तो सारी चीजें हो सकती लेकिन वो वो का का रेजिडेंट रेजिडेंट होना होना चाहिए हाँ, होना चाहिए सही। चले ठीक है सर नहीं तो फिर आखिरी ऑप्शन तो है है ही है, जो मैं हूं, आपके पास यार ये मेरी रिटर्न फाइल कर दें बताएं क्या पैसे लगेंगे मैं आपको बता दूंगा जी इतने चार्जेज हैं ई फाइल करने के वो आप बुझे दें, बाकी पैसे करें अपने। सही। टेक, टेक है हर हाँ, बात वो इसी भी तरही है कि है, है। तो नहीं मेरी पॉकेट में जाएंगे पैसे मैं भी सबके लिए भी इसलिए कह रहा हूँ सारो के सामने की हाँ, तो वो सारे पैसे कंपनी को जाएंगे कंपनी और वो मैं अकोमोडेट करवा रहा हूँ नॉर्मली कंपनी से ऐसा नहीं करती कि वो आपके क्लाइंट ई फाइल करवाते हैं वो सिर्फ मेरे कहने की वजह से या मेरी वो प्रेफर करने की वजह से वो अकोमोडेट करेंगे अदरवाइज कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती वो आउटसाइड जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ट्रीट नहीं करते वो ठीक हो गया ठीक है चल ठीक है सर थैंक यू एक होता है पहले स्टेप स्टार्ट लेना कोशिश करना जंप इन करना फिर ऐसा ऐसा रास्ते खुलते हैं एक होता है पहले स्टेप पे खड़े होकर सोच लेना कि यार ये तो नहीं हो सकता

हाँ आप ये देख लें कि, तो कि आपका टाइम तो और स्कडुल कैसा है उसके ऑब्वियसली उसके साथ ही चलना पड़ेगा आपको अगर आप समझते हैं कि आप टाइम इसको यहाँ ज़्यादा नहीं दे सकते या आपका वो काम बहुत अच्छा चल रहा है और वो अच्छी अर्निंग है आपकी फिर तो ऑबियसली मैं ये, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो एक स्किल है उसको मजीद बेहतर करें उसमें मज़ीद पॉलिश करें उसको मज़ीद अपने बिजनेस को बढ़ाएं और अगर जब आप इतने स्टेबल हो जाए वहां पर कि आप इम्प्लॉज रख के उसको चला सकें और सिर्फ उसको आप जो है मोनीटर करें तो फिर आप एक और काम करें उसके बाद अगर तो अभी आप तो अपने बिजनेस और इसको हैं, खुद ही उसको सारा हैंडल कर रहे हैं तो इसका भी आप इतने नहीं हो सके कि आपके लिए लोग काम करें जब आपके लिए तो लोग, लोग काम कर... हाँ जब लोग आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं ना कर देते हैं शुरू करना आपके लिए तब आप जब एक ऐसी पोजिशन पे आ जाते हैं जहां पे आप सिर्फ बैठ के मोनिटर कर रहे होते हैं चीजों को तब आपके पास एक काफ़ी टाइम निकल आता है जहां पे गुंजाइश निकल आती है कि जहां पे आप किसी और नई स्किल को कर सकें किसी नई चीज़ को ऐडअप कर सकें बिजनेस के अंदर और नॉर्मली ये बिजनेस लोग करते भी ऐसे ही हैं कि पहले वो एक एक साइड लेते हैं उसको डेवलप करते हैं उसको खड़ा करते हैं और फिर एक चीज़ को और एए, एक सर्विस को और ऐड करते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप ये जितनी भी आज जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं ये ऐसी थोड़ी बन गई हैं इसी तरह ही बनी है स्टेप बाय स्टेप ही जो है वो बनी है और आज वो पूरी दुनिया में जो है वो चल रही है केपीएमजी हो गया डिलॉयट्स होगी ईएनवी होगी जितनी भी बड़ी सारी हैं ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बनी है सारी ठीक है सही सही अच्छा जी अब इस तरह से है कि ये हो गया हमारा सबसे पहला मेन जो फॉर्म है आईडी पेज जो है ठीक है ये जो आईडी पेज होता है बेसिकली ये बेसिक डिटेल्स जो हम एक चेकलिस्ट हमें जो मिलती है उससे हम फिल करते हैं चेकलिस्ट हमने कल डिटेल में देख ली थी अभी जो मेरा पर्पज़ है सिर्फ इसको आपको वॉक थ्रू करवाना है इसको मैं फिल नहीं कर रहा अभी मैं सिर्फ वॉक थ्रू करवा रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं उनके क्या क्या फंक्शनैलिटी है क्या पर्पज़ है एज पर लॉ इनकम टैक्स लॉ ऑफ कैनेडा तो सबसे पहले तो ये जो सबसे पहली सेक्शन आ रहा है ऊपर के इंटरनल इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपेयर तो यहाँ पे जो सबसे पहली ऑप्शन है वो ये है कि यहाँ पे पर्म का नाम आएगा या जो भी प्रपेरर है जो एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है उसका नाम आ जाएगा फिर पार्टनर का नाम आ जाएगा पार्टनर बेसिकली जिस तरह हमारे यहाँ डिफरेंट हरार्कीज होती हैं चीज़ों में वहाँ पे होती हैं एक पम्प में पार्टनर भी होता है एक जो होता है वो सी पी ए जिस तरह सीनियर अकाउंटेंट होता है एक मैनेजर होता है इस तरह से वहाँ एक पार्टनर भी जो है बेसिकली पम्प में होती हैं तो पार्टनर्स की डिटेल्स आ जाएंगी फिर प्रिपेयर की डिटेल्स आ जाएंगी फिर इस फाइल को रिव्यू कौन कर रहा है कौन सा सीनियर अकाउंटेंट इस फाइल को बनाई किसने है और रिव्यू कौन कर रहा है फिर ये असाइन टू किसको असाइन हुई थी ठीक है और उसके बाद है डिस्काउंटेड टी वन और डिस्काउंटेड कोड और डेट नीडेड और डिलीवरी मेथड ये बेसिकली जो है सारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है जब वो ये रिटर्न फाइनल हो जाएगी रिव्यू हो जाएगी तो कितना डिस्काउंट देना है क्या मामला था सारे वो उसको हैंडल करेंगे डिलीवर कैसे करना है उसके बाद सी सी एच का क्लाइंट कोड आ जाएगा जो कि नॉर्मली बाकी आ, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें भी होता है बहुत छोटे सॉफ्टवेयर्स में नहीं होता ये जो सॉफ्टवेयर बने हैं ये इस इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल से लेके बिग फर्म तक के नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया तो ये बेसिकली जो पहले दो डिटेल इंटरनल डिटेल्स हैं इसका डायरेक्टली कोई सीआरएस से जो है वो लेना देना नहीं है कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है इसके साथ जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर यहाँ से हमारा मेन काम जो वो है वो स्टार्ट होता है चेकलिस्ट में जो कि हमने पढ़ा था कि उसमें डिफरेंट सेक्शंस थे क्लाइंट का नाम उसकी डेट ऑफ बर्थ उसका ई एड्रेस उसका फ़ोन नंबर उसका आइडेंटिफिकेसन identif नंबर उसकी सारी डिटेल्स उसकी सोर्सेज ऑफ़ इनकम क्या है उसकी डिडक्शन क्या हैं उसकी प्रॉपर्टी बेची या नहीं बेची उसने कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है या नहीं है उसकी आर एस पी में कंट्रीब्यूशन है या नहीं है वो सारे डिटेल्स हमने वहां क्लाइंट से ले ली थी अब हम आगे आई टी पेज के ऊपर अब हम फिल करने जा रहे हैं इसको तो ये जो आइडेंटिफिकेशन का जो ये सेक्शन है जो बॉक्स है इसके अंदर हम क्लाइंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रोवाइड करेंगे जैसा कि अगर मैं अपना ही यहाँ पे ले लू नाम जो मेरा ट्रेड नेम है जेफरी रॉस उसके बाद नाइन डिजिट का जो होता है सिन होता है अब यहाँ देखिए सिन भी लिखा हुआ है आईटीएन भी लिखा हुआ है टीटीएन भी लिखा हुआ है सिन से मरादा है सोशल इंश्योरेंस नंबर जो कि हर जिस तरह हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है जो कि नॉर्मली आईडी कार्ड इशू किया जाता है जो पाकिस्तान नेशनल है अगर कोई बंदा बाहर से आता है पाकिस्तान में जो कि नेशनल नहीं है तो उसको एक आइडेंटिटी आइडेंटिटी इनकम टैक्स नंबर जो है उसको आई टीन कहते हैं इं, इनकम टैक्स नंबर इनकम टैक्स नंबर चूँकि टैक्स के परस्पेक्टिव से अगर कोई पैसा कमा रहा है पाकिस्तान में आके तो उसको इनकम टैक्स नंबर एक प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसी तरह कैनेडा के अंदर भी जो है वो एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है इनकम टैक्स नंबर ताकि वो उसको यूज करके अपना जो है वो रिटर्न uh, को फाइल करें एक है टी टी एन टेम्परेरी टैक्स नंबर टेम्परेरी होता है ये टेम्परेरी टैक्स नंबर उन लोगों को दिए जाते हैं जो अभी इन प्रोसेस होते हैं कनाडा की गवर्नमेंट के साथ सिन को एक्वायर करने के लिए तो अभी जो इन प्रोसेस होते हैं पीआर PR का प्रोसेस चल रहा होता है तो उनको फिर टेम्परेरी टैक्स नंबर भी दे दिया जाता है या वक्ती तौर पर अभी अभी वहां से अगर डिले है कि आपको सिन नहीं मिला तो आप अभी आपने रिटर्न भी फाइल करनी तो आप टीटीएन टी की बेस पे भी वो नंबर लेके टेम्प्रेरी नंबर और सम टाइम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ही आपको वो टेम्प्रेरी नंबर फॉरन इशू कर देती है ताकि अब आपके मामला चलते रहें और वो उसी को फिर बैकअप को उठा के आपके मेन सिन के ऊपर सारे डिटेल्स को ट्रांसफर कर देती है और फिर आपका एक परमानेंट नंबर इशू हो जाता है जिसे सोशल इंश्योरेंस नंबर कहते हैं ये नाइन डिजिट का होता है और ये वहाँ के हर जो रिहायशी है कनाडा का उसको इशू किया जाता है ठीक है जी तो इस तरह से इसको लिखे है पहले तीन डिजिट फिर एक स्पेस फिर तीन डिजिट और फिर एक स्पेस ये ऑब्वियसली गलत है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डेमो में सिखा रहा हूँ तो हमार हम कभी भी ओरिजिनल सिन यहाँ पे नहीं डालूंगा डेट ऑफ बर्थ हम डालेंगे तो उसका फॉर्मेट है पहले ये रहेगा फिर मंथ आएगा फिर डेट आएगी लाइक नाइनटीन नाइनटी ज़ीरो वन जीरो वन फिर आ जाएगा आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल है मैरिड है विडोड है डिवोर्स है सेपरेट है सिंगल है कॉमन लॉ पार्टनर है तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं सिंगल यहाँ पे फिर तो उसके बाद टी डबल टू जीरो वन ये एक फॉर्म का नाम है ये फॉर्म होता है बेसिकली उन लोगों के लिए जो डिसेबल होते हैं जो मेंटली इंपेयरमेंट होती है जो मेंटली तौर पे इतना फिट नहीं है कि अपने मामला को खुद से कर सकें या फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो बॉडी के अंदर की आपका कोई Uh, जो है कोई प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन प्रॉपरली नहीं चल रहा कोई आप अपाहज हैं डिसेबल हैं तो उस सूरत के अंदर भी जो है आपको ये दो, जो फॉर्म है टी डबल टू जीरो फिल करना होता है डॉक्टर्स जो हैं उनसे अप्रूव करवा के प्लस ये वाला फॉर्म भर के टी डबल टू जीरो वन आपको सी आर ए को सबमिट करवाना होता है उस सूरत में आप अगर आप फिर वो देखते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है अगर आप डॉक्टर्स जब अप्रूव करते हैं तो इट मीनस कि आप एलिजिबल हैं तो फिर सी आर ए भी इसको अप्रूव करता है आपका अगर कोई मजीद दिन को वेरीफिकेशन की जरूरत हो तो वो डिटेल्स मांग भी लेते हैं आपसे सपोर्टिंग एविडेंसिस भी मांग सकते हैं जिसमें मेडिकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं आपकी तो वो भी ले लेंगे अगर उसके बाद उन्होंने देखा कि आपका जेनवन केस है और आप वाकई जो है वो एलिजिबल है इसके लिए तो वो अप्रूव कर देते हैं और फिर आपकी वो जो है ना आपके माई अकाउंट के अंदर वो डिटेल्स चली जाती हैं तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है डिसेबिलिटी अमाउंट के ऊपर तो आपको डिसेबिलिटी अमाउंट का जो क्रेडिट है वो आपके रिटर्न में शो होना होना शुरू हो जाता है अगर फर्स्ट ईयर आप क्लेम करें तो उस पर क्लिक करेंगे लास्ट ईयर ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर क्रेडिट तो वहां पे आप ईयर प्रोवाइड कर देंगे ठीक है ये तो हो गया आपका पर्सनल uh, आइडेंटिफिकेशन की डिटेल सारी आपकी नेक्स्ट जो है वो आपका है कपलिंग का अगर आप जो रिटर्न बना रहे हैं एक टैक्स पेयर की और उसकी स्पाउस की रिटर्न भी आप बना रहे हैं तो फिर आप इस कपलिंग के बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो कपलिंग के बॉक्स पे क्लिक करने के बाद एक और ऑटोमेटिकली जो रिटर्न है वो क्रिएट हो जाएगी और उस पर जाके आप स्पाउस की डिटेल्स डालेंगे एज इट इज जिस तरह ये आई पेज खुला हुआ है एक और आई पेज खुल जाएगा इस जिसपे आप स्पाउस की डिटेल भी डाल सकते हैं अभी वो ये कह रहा है कि आप कपलिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमने मेरिटल स्टेटस सिंगल पे क्लिक किया है कह रहा है इसके लिए आपको या तो कॉमन ला करना पड़ेगा या आपको मेरिट पे सिलेक्ट करना पड़ेगा तब आप कपलिंग कर सकते हैं तो ये सॉफ्टवेयर्स में सबसे अच्छी बात ये भी है इस वॉल्टर क्लोवर में या बाकी जो भी इस तरह के अच्छे सॉफ्टवेयर है जब भी आपकी चीज बाय मिस्टेक भी करते हैं तो ये आपको एक नोटिफिकेशन या ताते है या एक जो है वो आपको अलर्ट जारी करता है कि जो आप काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है क्योंकि आपने ये वाली ऑप्शन इसके लिए आपको चूज करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की ठीक है तो कपलिंग आप इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं टैक्स रिटर्न नहीं बनाने जा रहा सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ये आईडी पेज क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें फिल करनी होती हैं तो जब हम कपलिंग वाले स्टेज पे पहुंचेंगे तो हम वो सब चीजें फिर उस वक्त करेंगे अच्छा जी मेलिंग एड्रेस बेसिकली क्या है आपका घर का एड्रेस ईमेल एड्रेस होता है जिसपे आप ईमेल करवाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग एड्रेस आपके घर का एड्रेस होता है इसमें आपने नंबर देना होता है स्ट्रीट नंबर देना होता है स्ट्रीट का नेम देना होता है जिस तरह की स्ट्रीट नंबर है हमारा टू नाइनटी फाइव एडविन स्ट्रीट अपार्टमेंट नंबर नाइन एट सेवन सिटी टोरंटो पीओ बॉक्स हम यहाँ पे नहीं देंगे ऑर्डर भी नहीं देंगे सिर्फ ओंटारियो और पोस्टल कोड अच्छा जी ये पोस्टल कोड गलत है क्योंकि ये मैंने खुद से डाला है तो ये सॉफ्टवेयर में इतनी एबिलिटी है कि ये चेक कर लेता है कि जो सॉफ्टवेयर आपने पोस्टल कोड एंटर किया है ये गलत है या ठीक है या नहीं है तो इसका जो फॉर्मेट है पोस्टल कोड का हमारे तो सिर्फ डिजिट डिजिट होते हैं चार पाँच छः डिजिट होते हैं ज़ीरो जीरो और फिफ्टी फोर थाउजेंड जिस तरह हमारे ये लाहौर के आप लोगों को पता होगा लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है वहाँ जो है बेसिकली पहले एक अल्फाबेटिक फ्रैक्टर आता है फिर एक न्यूमेरिक आता है फिर अल्फाबेटिक आता है फिर न्यूमेरिक आता है फिर अल्फाबेटिक आता है फिर न्यूमेरिक आता, आता, आता है इस तरह से है ये जो फर्दर आगे और के बाद स्टेट या जिप कोड है ये सूरत में अगर आप बाहर रहकर कनाडा से इनकम बंद कर रहे हैं और अपनी एनआर की रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं नॉन रेजिडेंट की तो तब आप बाहर का एड्रेस देंगे या आप कनाडा छोड़ के जा रहे हैं ठीक है तब आप एड्रेस देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे सारी अमेरिका की स्टेट्स प्रोवाइड जो है वो दी गई है टोटल अमेरिका की टोटल जो स्टेट्स हैं फिफ्टी स्टेट्स हैं जिसमें से फोर्टी स्टेट्स जो है अमेरिका की वो उनमें टैक्स लागू होता है वो टैक्सेबल स्टेट्स हैं सेवन स्टेट्स ऐसी हैं जिसके अंदर जो टैक्स फ्री स्टेट्स हैं और टू स्टेट्स ऐसी हैं जो पार्शली टैक्स करती हैं अब मैं वो यू की डिटेल में नहीं जाना चाह रहा लेकिन सिर्फ आपको मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे दे दिया यू एस का टोटल फिफ्टी स्टेट्स हैं फोटी वन स्टेट्स वो हैं जो टैक्स लगाती हैं इनकम के ऊपर सेवन स्टेट्स ऐसी हैं जो इनके इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाती इसमें एक वाशिंगटन है फ्लोरिडा है उसके बाद दो स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे पार्शली टैक्स किया जाता है जिप कोड बेसिकली अमेरिका के लिए जिस तरह पोस्टल कोड है उस तरह जिप कोड है और यहाँ पे अगर आप कैनेडा से बाहर रह रहे हैं वो अपना रिपोर्ट देना तो आप फिर कंट्री को भी चूज करेंगे यहाँ के ऊपर कि आप कौन सी कंट्री में है अफगानिस्तान में पाकिस्तान में बांग्लादेश में यूएसए में कहाँ पे है तो आप वो चूज करेंगे यहाँ पे ये यह सारी एक लिस्ट है जो कंट्रीज की उन्होंने दी है और कंट्रीज के कोड भी है और पूरा कंप्लीट नेम भी है यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इज द होम एड्रेस द सेम एज द मेलिंग एड्रेस ऐसा भी होता है सम टाइम कि आप जो होम एड्रेस देते हैं कहते हैं कि एड्रेस तो मेरा यही है लेकिन मुझे मेल मुझे जो है ना वो इस एड्रेस पे आने चाहिए तो आप उस सूरत में अपना मेलिंग एड्रेस डिफरेंट भी कर सकते हैं बट मोस्टली केसेस में ये होता है कि आप कनाडा में रह रहे हैं तो जहां आप रह रहे हैं तो आप यही प्रेफर करते हैं कि वहीं पे आपका जो है वो मेल भी आए तो आप इसको अगर यस yes करेंगे तो ये आपका जो है करेगा कि यहीं पे भेजना है अगर आप नो करते हैं तो फिर आपको सेपरेट जो है एक, आ, जो है है वो वो एक एड्रेस देना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा जी अब नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल रेजिडेंस अच्छा प्रिंसिपल रेजिडेंस क्या होती है इसको आ, समझ इसको लाइन को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल रेजिडेंस से मुराद क्या है एक ऐसा घर जहाँ पे आप खुद रह रहे हो आपकी बीवी रह रही हो आपके बच्चे रह रहे हो या आपके पेरेंट्स रह रहे हो मोस्टली जो कनाडा फैमिली को कंसीडर करता है वो कंसीडर करता है आपको आपकी बीवी को और आपके बच्चों को फैमिली कंसीडर करता है ठीक है अगर आप अपनी बीवी को छोड़कर कनाडा से बाहर जा रहे हैं तो आप कभी भी आपको वो नॉन रेजिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज आपकी बीवी और बच्चे यहीं पे रह रहे हैं और कनाडा से बेनिफिट ले रहे हैं वहीं के स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहीं के चाइल्ड बेनिफिट ले रहे हैं तो वो कहेगा कनाडा सी कहेगा कि जी आप चाहे कनाडा से बाहर हैं क्योंकि आपकी मेन टाइज कनाडा के साथ है, आपकी बीवी बच्चे यहां पे हैं तो टैक्स पे पे करें ठीक है तो प्रिंसिपल रेजिडेंस वो घर होता है जहाँ पे आप खुद रहते हैं आपकी बीवी बच्चे वगैरह रह रहे होते हैं वो आपका प्रिंसिपल रेजिडेंस कंसिडर किया जाता है अब कह रहा है कि एनी डिस्पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर विच द टोटल और पार्शल एग्जामेशन फॉर प्रिंसिपल रेजिडेंस इज क्लेम्ड मस्ट बी रिपोर्टेड इन फॉर्म टी टू जीरो नाइन वन और फॉर्म टी वन टू डबल फाइव इफ दफ दिल इज डिजीज ठीक है अब बेसिकली ये क्या है वो ये बताना चाह रहा है कि अगर आपने जो अपना घर है उसको आप बेच रहे हैं एक्चुअल डिस्पोजिशन कर रहे हैं या उसको रेंट पर दे रहे हैं तो आपने इसको रिपोर्ट करना है इसके ऊपर टी टू जीरो नाइन वन के ऊपर इनकेस अगर आप जिंदा हैं और अगर आप मर चुके हैं और आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं अपनी तो आपने या बेच दी है तो आपने इसको रिपोर्ट करना है टी वन टू फाइव फाइव फॉर्म के ऊपर ये दो फॉर्म्स है जहाँ पे आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी रिपोर्ट करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी जो आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी होती है जो आपकी प्रिंसिपल रेजिडेंस होती है अगर प्रिंसिपल रेजिडेंस नहीं है कोई वो रेंटल प्रॉपर्टी थी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी फिर आप इसको यहाँ पे रिपोर्ट इन फॉर्म्स के ऊपर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर की ये भी एक अच्छी बात है कि इसने सारी इंस्ट्रक्शंस भी आपको दी हैं साथ साथ कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं कर सकते हैं Taxpayer disposed of a principal residence in the current taxation year for which he or she can, she claims the total or partial exemption. तो so, आपने यहाँ पता ना है कि उसने क्या वाकई अपना घर बेच दिया ज़्यादती घर था या नहीं बेचा? तो mostly cases में नहीं बेचा होता, ठीक है? A taxpayer disposed of a principal residence after the end of the taxation year. इसको भी आपने जब मेन को नो कर दिया तो बाकी दोनों को आपको फिर नो करने की जरूरत नहीं है वो उसी सूरत में होता है कि अगर आपने पहला यस yes करें तो फिर फर्दर क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ पहला ये है तो फिर उसके बाद मज़द सवाल फिर आपने उसको भी यस yes या नो करना होता है अगर आपने पहले को यस yes किया तो फिर आप अगले क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे तो इसलिए पहले को हम नो कर देंगे तो उसका मतलब बाकी क्वेश्चन को आंसर करने की जरूरत नहीं है करंट ईयर अच्छा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है uh, 45. 2 और 45. 3, आप सिंपली गूगल पे जाकर लिख भी सकते हैं सब सेक्शन फोर्टी फाइव टू सब सेक्शन फोर्टी फाइव थ्री उसको पढ़ भी सकते हैं उसकी क्या क्राइटेरियाज हैं मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे इस हवाले से कि ये क्या चीज़ है अच्छा कैनेडा ये कहता है आपको कि अगर आप कोई जॉब के लिए स्विच कर रहे हैं अपने घर को और आपका जो जो जॉब है जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको कहीं और भेज रहा है किसी और जगह पे भेज रहा है और आपका जो जो नई लोकेशन है जॉब की वो आपके प्राइमरी होम जो प्रिंसिपल होम है उससे काफ़ी दूर है और जहाँ पे आप डेली आ जा नहीं सकते और फोर्टी किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है तो फिर जहाँ पे आप जा रहे हैं वहां पर जहाँ पे आप जाके घर रह लेने लगे हैं तो वहां पर ऑब्वियसली आप रेंट पे कर लेंगे तो उसको कंपनसेट करने के लिए सी ये कहता है कि आप एक ऐसा करें काम कि आप सब सेक्शन फोर्टी फाइव टू का इलेक्शन फ़ाइल करें और अपने घर को आप रेंट पे दे, दे दें और इलेक्शन फ़ाइल कर दें हम फिर भी आपके घर को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करेंगे प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ही कंसिडर करेंगे और जहां आप रह रहे हैं और लेकिन इस सूरत में ये होगा कि आप अपने घर के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम नहीं कर सकते और आप जो रेंटल इनकम वहां से अर्न कर रहे होंगे वो भी आपने रिपोर्ट करनी है अपनी रिटर्न में ठीक है वो टैक्सेबल होगी और ताकि कंपनसेट किया जा सके कि आपको ताकि जहाँ भी आप जा रहे हैं वहां पे आप रेंट दे रहे हैं ठीक है तो ये सूरत में है कि जब आप अपने प्रिंसिपल रेजिडेंस को रेंट पे रेंट आउट करें और आप ये चाहें कि जब मैं बेचूं तो मुझे इस पर टैक्स ना देना पड़े तो ये इलेक्शन आप फाइल कर सकते हैं अब इस इलेक्शन से बेनिफिट ये होगा कि अगर आप इलेक्शन फाइल नहीं करते और अपना घर रेंट पे देके आगे चले जाते हैं ना कि सिर्फ आप रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स देंगे जब लेटर ऑन अपने घर को बेचने लगेंगे तो जिस टाइम पीरियड के लिए आपने उस घर को रेंट पे दिया होगा उस टाइम पीरियड के अंदर जितना भी प्रॉपर्टी के अंदर गेन आया उसकी वैल्यू में जो गेन आया प्रॉपर्टी के ऊपर उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे उससे बचने के लिए ये एक ऑप्शन है सबसेक्शन फोर्टी फाइव टू और सबसेक्शन फोर्टी फाइव थ्री इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसके ऊपर ये ये जो केस करेंगे तब हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है टेलीफोन का इसमें आपने अपने घर का टेलीफोन नंबर आपका सेलुलर मोबाइल नंबर आपका अगर कोई कंट्री से बाहर है फॉरन नंबर है कोई तो अगर आप वर्क करते हैं तो आपका ऑफिशियल कोई नंबर है तो वो दे सकते हैं तो फैक्स नंबर अगर आप देना चाहते हो तो वो दे सकते हैं ये सारी चीजें उसके बाद आपने ई एड्रेस देना है अगर आपका ई मेल एड्रेस पहले से रजिस्टर्ड है तो सी आर ए के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप कहेंगे जी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अगर आप कहेंगे जी नहीं मैंने ये नया ई मेल एड्रेस मैंने चेंज कर लिया है मैं ये करना चाह रहा हूँ तो आप इस पर क्लिक कर देंगे आप कहेंगे जी कि नहीं मैं ई मेल एड्रेस देना नहीं चाह रहा तो आप नो पे क्लिक कर देंगे उसके बाद ये जो डिटेल्स दी है उसने उन्होंने बताया हुआ कि क्या ई मेल एड्रेस जो आपका ई मेल एड्रेस ट्रांसमिटेड टू द सी आर ए फॉर द रजिस्ट्रेशन और अपडेट जब यस yes करेंगे तो यहाँ पे ई मेल एड्रेस शो हो शो हो जाएगा आपका इस लाइन के अंदर मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये देखें ये मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया अपना नसीर कैशी वन टू थ्री एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम मैंने कहा जी ऑलरेडी रजिस्टर्ड मैंने कहा यस पे करना है बल्कि यस किया मैंने तो मेरा यहाँ पे आ गया इसका मतलब ये है कि जो अगर पहला कोई मेरा ईमेल होगा तो वो रिप्लेस करके इसको रजिस्टर कर देंगे अगर मैं कहता हूँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कि मेरा भी पहले से ही रजिस्टर्ड है फिर तो मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे ये उसके बाद पूछता है कि रिप्लेस द ई मेल एड्रेस ऑन द फाइल विद सी आर ए विध द वन इंडिकेटेड अबव कहता है उसको रिप्लेस करते हैं। मैं कहता हूँ यस मैं कहता हूँ नहीं रिप्लेस नहीं करना मेरा यही सेम है पहले भी है तो मैं नो करूँगा तो यहाँ से फिर वो क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा यहाँ पे शो नहीं होगा ठीक है तो ये बेसिकली इसका पर्पस ये है अगर मैं कहता हूँ यस तो वो डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ नो तो फिर वो यहाँ से डिसपियर हो जाएगा अगर मैं कहता हूँ यस

तो आपने यहाँ चूज़ कर लेना कि नहीं मुझे इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिक चाहिए मुझे ठीक है या मुझे जो है वो पेपर फाइल जिस तरह क्लाइंट कन्वीनियंट है क्लाइंट आपको बता देगा तो नॉर्मली जो क्लाइंट्स हैं वहाँ बाहर वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ही आपको कहते हैं कि आप हमें प्रोवाइड करें तो जैसे ही वो सी आपके रिटर्न को असेस करता है तो वो जो माई अकाउंट पे आप हैं मौजूद वहाँ पे आपकी जो है अपडेट नोटिस ऑफ असेसमेंट वो आपको वहाँ पे मेल भी कर देता है और उनके सिस्टम में वहाँ पे शो भी हो जाता है नेक्स्ट जो है ये वाला जो खाना है आपका जो ये वाला सेक्शन है रेजिडेंस का ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है ये इंतहाई टेक्निकल भी है इसके अंदर जो है बेसिकली उसने आपको जो है वो प्रोवाइड की हैं देखिए ब्रिटिश कोलंबिया टोटल दस प्रोविंस है कनाडा की और तीन टेरिटरीज है जो मैं बात कर रहा था ब्रिटिश कोलम्बिया एल्बर्टा सिस्केचन मैनिटोबा ऑनटारीबैक न्यू ब्रंसविक नोस कोशिया प्रिंस प्रिंस एडवर्ड आईलैंड न्यू फाउंड लैंड एंड लेबर उसके बाद यूकोन नॉर्थ वेस्ट टेरेटरीज और जो तीन बेसिकली हैं ये टेरेटरीज हैं उससे ऊपर जो है सारे प्रोविंस है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन पहले दस जो है वो प्रोविंस हैं और बाकी तीन जो है टेरेटरीज हैं उसके बाद नीचे जो ये आ रहा है कि एन आर एन आर का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट टू वन सिक्स तो ये बेसिकली सेक्शन है एंड अंडर सेक्शन टू वन सिक्स रेंटल प्रॉपर्टीज अगर आप कनाडा से बाहर रहते हैं कनाडा के रेजिडेंट नहीं है आप तो आ, लेकिन आपकी जो है कनाडा के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसके लिए सेपरेट अंडर सेक्शन रिटर्न प्रिपेयर होती है अगर आप नॉर्मल नॉन रेजिडेंट हैं वैसे तो नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ही होता है लेकिन आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है लेकिन इनकम आपकी आ रही तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर अगर आप जो है कनाडा से बाहर रहते हैं लेकिन आप डीम्ड रेजिडेंट हैं ये डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है फैक्चुअल रेजिडेंट क्या होता है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन जब हम नॉन रेजिडेंट रिटर्न्स के सेक्शंस तक पहुंचेंगे वहां पर जाकर डिस्कस करेंगे ये सारी ऑप्शन दी हैं अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऑन नेक्स्ट ऑप्शन है एट द करंट एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम द मेलिंग एड्रेस अगर आपको याद हो हमने ऊपर कहा था कि यस और नो की ऑप्शन दी थी यहाँ पे कि यस और नो तो अगर मैं यस करता हूँ तो फिर तो मुझे जरूरत अगर मैं नो करता हूँ तो फिर वहां जाके मुझे नीचे वो ऑप्शन चूज करनी पड़नी तो मैं कहता हूँ यस ये सूरत तब है कि एट द करंट एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम द मेलिंग एड्रेस उस सूरत में आपने यहाँ पे चूज करना अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है मूविंग डेट फ्रॉम अ प्रोविंस और अ टेरिटरी इन कैनेडा इवन इफ इट अकर्ड आफ्टर दिसंबर थर्टी फर्स्ट ठीक है जी यहाँ पे आप जो क्या कर सकते हैं मूविंग डेट दे सकते हैं अगर आपने मूव किया है

में रहती हैं बिजनेस आपका अल्बर्टा में है तो अल्बर्टा को यहाँ सेलेक्ट करेंगे अगर में में रहती है है बिजनेस भी तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इसको या फिर अगर आप ओंटारियो में रहती हैं लेकिन आपके बीवी बच्चे जो हैं सारे वो वहां रहते हैं अल्बर्टा में तो फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो कह रहा है कि प्रोविंस ऑफ टैक्सेशन ऐसा प्रोविंस जो जिसकी जिस प्रोविंस में आप एज ए डीम्ड रेजिडेंट या एज ए नॉन रेजिडेंट आप जो है वो टैक्सेबल आप बनते हैं उसकी वजुहत हाँ क्या हो सकती है या तो आपकी वहां है, है, आप है या फिर जो आपका है वहाँ पे, तो सूरत में इसको करेंगे। उसके बाद रेजिडेंस स्टेटस फॉर नॉन रेजिडेंट डीम्ड नॉन रेजिडेंट डीम्ड रेजिडेंट और फैक्चुअल रेजिडेंट ऑफ कैनेडा डज नॉट अप्लाई टू एमिग्रेंट ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते जो कैनेडा छोड़ के जा रहे होते हैं ठीक है जी उसके बाद ऑन दिसंबर थर्टी फर्स्ट फॉर ऑल ट्वेंटी ट्वेंटी टू उसकी उसने फर्द फर्दर क्लैरिफिकेशन दे दी है कि दिसंबर थर्टी फर्स्ट पे हुआ ये मामला या फिर पूरे ट्वेंटी ट्वेंटी टू ईयर के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि नॉन रेजिडेंट है डीम्ड नॉन रेजिडेंट है फॉर वन एटी थ्री डेज है और डीम्ड रेजिडेंट ऑफ कनाडा फॉर अदर रीजन है उसके बाद यहाँ पे भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं नॉन रेजिडेंट डीम्ड नॉन रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट है ये बेसिकली उस सूरत में है कि जब आप जो हैं कनाडा में नहीं रह रहे नॉन रेजिडेंट हैं या डीम्ड नॉन रेजिडेंट हैं या डीम्ड रेजिडेंट हैं या फैक्चुअल रेजिडेंट है फैक्चुअल रेजिडेंट जिस तरह एक आर्मी का आदमी है कनाडा किसी आर्मी के आदमी को डिप्लॉय कर देती है किसी और कंट्री के अंदर क्या वहाँ जाएँ और इस मिशन पर काम करें कम बैट पर काम करें तो सूरत में उसको फैक्चुअल रेजिडेंट कंसिडर किया जाता है और वो लाइबल होता है अपने सारे टैक्सेस पे करने के ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर पे करने के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा अपॉइंट किया जाए किसी जगह पर या कोई वफद भेजा जाए तो उस सूरत में भी वो उसको फैक्चुअल रेजिडेंट ही कंसिडर किया जाता है ये उन ये उन तमाम चीज़ों के लिए ये दो ऑप्शन जो हैं यहां है यहाँ पे मौजूद हैं जो कि नॉर्मली बहुत कम यूज में होती हैं बहुत कम यूज में आती हैं उसके बाद नॉन रेजिडेंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑन दिसंबर थर्टी फर्स्ट इफ़ डिफरेंट फ्रॉम कैनाडा ये था ये जो ऊपर वाला था ये तो इस केस में था कि अगर आप जो है किसी और प्रोविंस के अंदर आप लाइबल है टैक्स पे करने के लिए ये सूरत में कि अगर आप कंट्री छोड़ के चले गए हैं तो फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कंट्री कि आप कौन सी कंट्री में गए हैं उसके बाद डेट ऑफ एंट्री आती है और डेट ऑफ डिपार्चर आती है अगर तो आप किसी और कंट्री से आए हैं तो भी आपने बताना है अगर आप किसी कंट्री में चले गए तो भी आपने बताना है यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री दे, दे, दे देंगे यहाँ डेट ऑफ डिपार्चर यानी कि छोड़ के जाने की जो तरीक़ा है वो दे देंगे दे आप दे 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 फिर तो उसके बाद अगर आप पहले सिंगल थे इसी साल आपने शादी कर ली है शादी होगी आपकी तो आप अपना डेट ऑफ मैरिज और यूनियन प्रोवाइड करेंगे कि इस डेट पे मैंने शादी कर ली और स्पाउस की डिटेल भी नीचे देंगे अगर आपकी शादी पहले से आप मैरिड थे आपने उसी साल में डिवोर्स होगी आपकी या सेपरेशन होगी तो आप डेट ऑफ सेपरेशन या डेट ऑफ डिवोर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर ठीक है तो ये बेसिकली उसको अपडेट करने के लिए रैकेट को कि क्या ये मियाँ बीवी दोनों जो है अब इनका आपस में है या नहीं है या ये न्यूली मैरिड है जो भी डिटेल मतलब मैरिटल स्टेटस की को देखने के लिए सीआरए को ये चाहिए आपका ताकि वो आपकी जो फैमिली की नेट इनकम है उसको मयर कर सके उसके बाद अब आगे नेक्स्ट आपका स्पाउस का क्योंकि ऊपर मैंने सिंगल दिया था इसलिए मुझे ये चीजें देने की जरूरत नहीं है अगर मैरिड होता जायफ्री तो फिर वो यहाँ पे अपनी स्पाउस की भी डिटेल देता अब यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम आएगा उस तरह लास्ट नेम आएगा स्पाउस का फिर सोशल इंश्योरेंस नंबर आएगा उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ आएगी फिर डेट ऑफ डेथ अगर स्पाउस की डेथ हो गई है इस तरह डेट ऑफ़ डेथ ऊपर भी आ रही थी यहाँ पे इन केस अगर आपकी डेथ आपकी तो नहीं मतलब टैक्सपेयर की डेथ हो गई है तो वो डेट ऑफ़ डेथ यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे लिख देंगे यहाँ पे उसके बाद जी आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे उसका भी चूज़ किया जाएगा तो अगर ऊपर सिंगल है तो इसलिए यहाँ पे सिंगल शो हो रहा है अगर ऊपर मेरिट करके हम कपलिंग करते हैं तो यहाँ पे भी खुद ब खुद मेरिट आ जाता उसके बाद जो है कंट्री ऑफ़ रेजिडेंस ये अगर कनाडा में है तो फिर देने की ज़रूरत नहीं है अगर आउट ऑफ कंट्री में रहती है आपकी स्पाउस फिर देंगे आप कंट्री ऑफ़ रेजिडेंस प्रोवाइड करेंगे नंबर प्रोवाइड करेंगे ई एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और फिर आप आगे इसी तरह उसकी भी कोई डिसबिलिटी है या नहीं है उसके बच्चों में कोई डिसबिलिटी तो वो अलग से आपने बतानी होती ठीक है अब नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि स्पाउस की जो है डिटेल्स फर्दर चाहिए स्पाउस नेट इनकम इज इजनेल और नेगेटिव अगर तो आप दोनों रिटर्न को एक साथ बना रहे हैं तो फिर तो आपको ये प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है वो खुद ब खुद तो जो फिगर्स हैं वो फ्लो कर जाती हैं एक स्पाउस की रिटर्न से दूसरे स्पाउस की रिटर्न में तो लिहाजा हमें वो मैन देने की जरूरत नहीं है हाँ अगर जो स्पाउस की रिटर्न आप बना रहे हैं उसकी जो आप किसी और अकाउंटेंट से रिटर्न बनवा रही है तो फिर हम उससे कहेंगे जी कि आप हमें अपनी से अपनी नेट इनकम जो है उसकी टैक्स रिटर्न से आपकी स्पाउस की टैक्स रिटर्न से लाइन टू थ्री सिक्स जीरो जीरो से लेकर दें तो वो अमाउंट हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे रिपोर्ट करेंगे ताकि सियारे चेक कर सके कंफर्म कर सके और इसी तरह ये जो जिसकी रिटर्न हम क्लाइंट की रिटर्न बना रहे हैं हम भी उसकी स्पाउस को उसकी नेट इनकम प्रोवाइड करेंगे ये सिर्फ इस पर्पज के लिए ठीक है जी आगे आगे अदर इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन में बेसिकली ये बहुत सारे जो चेक है ना यहाँ पे कुछ तो हमने खुद लाजमी करने होते हैं और कुछ जो होते हैं वो चेक वो खुद ब खुद हो जाते हैं जब हम उससे रेलिवेंट की फॉर्म फिल करते हैं इस सॉफ्टवेयर की खूबसूरती ये बाकी चेक भी आपके फॉर्म्स फिल करने के साथ खुद ब खुद यस या नो या वो उसको मार्क कर देता है अब अदर इंफॉर्मेशन में क्या जी कि ई फाइलिंग है रिटर्न फॉर सेवरल टैक्सेशन ईयर अगर आप एक साल से ज्यादा साल की रिटर्न्स कर रहे हैं तो फिर यस करेंगे अदरवाइज आप इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है जरूरी नहीं है कि हर जो भी चेक आपको दिया गया जो भी क्वेश्चन किया गया आप उसका हर एक लाजमन जवाब दें समाइम आपने जवाब नहीं भी देना होता किसी चीज का लेकिन जिनके ऊपर ये रेड मार्क हुआ हुआ इनका जवाब देना कंपल्सरी है ये देख रहे हैं आप अगर आप इनका जवाब नहीं देंगे तो आप रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते इस तरह इसमें सवाल पूछे कि इज द टैक्स पेयर अ कैनेडियन सिटीजन अगर सिटीजन है तो यस करेंगे अगर नहीं है तो नो करेंगे अगर यस करते हैं तो फिर अगला सवाल आप पूछ रहा है कि क्या आपका ये जो डाटा सारा हम आप हमें दे रहे हैं क्या हम इलेक्शन कैनेडा को प्रोवाइड करते हैं जिस तरह हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उस तरह बाहर एलेक्शन कैनेडा है तो वो बेसिकली डाटा आपका लेते हैं ताकि जब भी वो आ, नेक्स्ट आ, जो है वो ये करें वोटिंग वगैरह करें तो वो एक अपडेटेड डाटे को लेके बनाएं कि तो कितने नए लोग और आ गए हैं कनाडा के अंदर कितने लोग छोड़ के जा चुके हैं और सारे मामला तो वो देख सकें और किसी ने अगर अपना मेलिंग एड्रेस चेंज कर लिया किसी और जगह पे चला गया तो उसका हल्का कौन सा है उसकी कर, जो है वो एरिया कौन सा है तो उस हिसाब से फिर वो रीअरेंज रे कर रहे होते हैं चीज़ों को तो हम कहते हैं जी यस ठीक है अब हमारा डाटा जो है वो इलेक्शन कैनेडा को दे दें उससे अगला जो सवाल है वो ये सवाल है कि टी वन वन थ्री फाइव बेसिकली फॉर्म होता है जो फॉरेन इनकम के लिए फॉरेन इनकम को करने के लिए फॉरेन एसेट्स को रिपोर्ट करने के लिए सीआरएस में कहता है कि अगर आपके कनाडा से बाहर एक लाख कैनेडियन डॉलर से ज्यादा के एसेट्स हैं तो आपने वो हमें रिपोर्ट करने हैं टी वन वन थ्री फाइव फॉर्म के ऊपर तो उसमें हमने बताना होता है कि जी यस और नो अगर तो कनाडा में रहते हुए कनाडा से बाहर आपके एक लाख कैनेडियन डॉलर से ज्यादा के एसेट्स हैं कोई बैंक अकाउंट है कोई, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है कोई इन्वेस्टमेंट है तो आपने इसको यस कर देना है इन दैट केस और आपने वो सारी एसेट्स की जो है यहाँ पे रिपोर्ट करना है टी वन वन थ्री फाइव फॉर्म के ऊपर ताकि सी आर के पास उसका रिकॉर्ड चला जाए अगर एक लाख से कम है तो आप उसको नो पे क्लिक कर देंगे एक और चीज अगर आपके एसेट्स ज्यादा हैं और आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया और सी आर आई सी आर को पता चल जाता है कि आपके फॉरन एसेट्स हैं ठीक है

रिबेट uh, का मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ के ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर जो कार्बन अमेजन करती हैं जो कार्बन प्रोड्यूस करती हैं तो उसको कम करने के लिए ताकि वो जो उनका इन्वायरमेंटल जो है जो उनका इन्वायरमेंट है वो डैमेज ना हो जो एयर पोल्यूशन ना हो तो उसके लिए उन्होंने टैक्सेस बहुत ज्यादा इम्पोज कर दी ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कार्बन प्रोड्यूस करती हैं तो वो लोग जो गरीब लोग हैं जो लोअर मॉडस्ट फैमिलीज हैं जो जिसके से इम्पेक्ट कर हो रही हैं तो उनको फिर वो पे, पे पे बैक भी करते हैं ताकि उनका जो है कंपनसेट किया जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वही ऑप्शन यहाँ पे अब आ गई जो हम अपना चेकलिस्ट में डिस्कस कर रहे थे या हम अपना सी की वेबसाइट पर जाकर देख रहे थे ठीक है उसके बाद है कंसेंट टू द शेयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑर्गन टिश्यूज और डोनर रजिस्ट्री अगर आप ये करना चाहते हैं और नॉर्मली हम इसको नो करते हैं क्योंकि हम क्लाइंट को ये नहीं कहते कि आप वो कोई अगर कोई अपनी कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू डोनेट करना चाह रहा है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं ठीक है है तो इसको हम करते ये जो इंसेंटिव है, उसमें ये सवाल पूछ रहा है क्या आप मेट्रोपोलिटन सिटी के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं अगर तो सिटी के अंदर रहते हैं तो फिर आप इसको नहीं क्लिक करेंगे सिटी के बाहर रहते हैं तो फिर आप इसको टिक करेंगे नेक्स्ट आ गया फाइलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने दे दी थी इंग्लिश यहाँ पेल्यूटेशन ऑफ लेटर यहाँ पे आ गया एम मिस्टर रॉस लास्ट नेम पर्सनलाइज अगर कोई इससे हट के आप कहते हैं जी की इस नाम से उसको पुकारा जाए तो आप वो यहां पे डिटेल्स दे सकते हैं ठीक है उसके बाद प्रिंटिंग ऑप्शन में टी प्रिंटिंग इंग्लिश में होनी चाहिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन कॉपीज फॉर ऑल अब मैं कितनी नंबर ऑफ कॉपीज करनी है एक या दो करनी है वो करनी चाहिए आप कर सकते हैं उसके बाद आपका फर्दर ये दो ऑप्शन हेलो इनकम इंडिविजुल्स एंड फैमिलीज टैक्स क्रेडिट और ये जो है ऑन पेन एप्लीकेशन ये हम बाद में देखेंगे ऑन ट्रेलीम ऑन टेड ट्रेलीम बेनिफिट क्या होता है इसको बाद में देखेंगे तो इसको हम नॉर्मली टिक नहीं करते मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर रेड मार्क हो वो लाजमी करना है और ज़रूरी नहीं कि आपने हर बॉक्स को टिक करना होता है अब ये जो है यूज़र डिफाइंड सेल्फ फॉर रिपोर्टिंग परपस अगर इसमें कोई और फर्दर इंस्ट्रक्शन आप देना चाह रहे हैं कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं डेट दे सकते हैं जो कि नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते आईडी पेज मैंने कवर कर ली यहाँ तक भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं काफ़ी लोग जो हैं वो तकरीबन लीव कर चुके हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है इतना आसान नहीं है उसमें आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं आईडी पेज से रिलेटेड मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको डिटेल में समझाऊं अगर अभी भी कोई चीज़ लगता है कि स्कीप होगी तो आप पूछ सकते हैं जी

और कोई सवाल किसी का अगर है तो आप पूछ सकते हैं जी इरफान साहब जी सर मैं जब था वहां पे तो वी वी टू यूज सॉफ्टवेयर वीज्टवेयर टर्बोटेक्स तो ये जो तो 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 आप जो सॉफ्टवेयर बता रहे हैं ये आ, मुझे लग रहा है की बहुत ज्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू टर्बोटेक्स तो ये मैं सही ओपिनियन है मेरी टर्बोटेक्स कुछ भी नहीं है इसके सामने बच्चा है वो हाँ मैं वही वही मैं कह रहा मुझे बिकॉज लगा ये बहुत एडवांस्ड है

जी वालेकुम सलाम सर ये जो आप बता रहे हैं फॉरन प्रॉपर्टी रिपोर्ट करनी है या नहीं करनी है अदर कंट्री में करनी उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कोई अगर कोई तो करता है या नहीं करता अगर तो एक लाख डॉलर से ज्यादा तो फिर तो करनी है अगर सीआरए को पता चल जाएगा तो पेनल्टी है ना उसके ऊपर पच्चीस सौ डॉलर एडवांटेज क्या होगा अगर बंदा करे तो उसको एडवांटेज होगा उसका एडवांटेज एडवांटेज कोई नहीं है एडवांटेज एडवांटेज कोई नहीं है वो कहते हैं बेसिकली आप जितनी भी प्रॉपर्टी है आपकी लाख डॉलर से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स देना आप कनाडा में रह रहे हैं आप हमारी सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं सारे बेनिफिट तो आप अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स पे करें पाकिस्तान भी यही कहता है थैंक यू सर यू वेलकम और किसी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी

मैं आपको उस सॉफ्टवेयर पे काम करवा रहा हूँ जिसकी वर्थ है मार्केट के जिसका नाम है आप किसी भी फॉर्म में इंटरव्यू देने जाएंगे किसी भी क्लाइंट को बताएंगे कि मैंने इन सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है तो उसको समझते हैं कि वाकई ये सॉफ्टवेयर है मतलब एडिशन हो जाएगा एक टर्बो टैक्स अगर आपने गो थ्रू किया है है ये फीचर फीचर टैक्स 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 साथ में टर्बो सारे जितने भी है ना वो एक नॉर्मल आम इंसान के लिए बनाए गए हैं एक ऐसे बंदे के लिए जो टैक्स अकाउंटेंट नहीं है एक आम आदमी कहता है मैंने अपनी रिटर्न खुद फाइल करनी है 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 फाइल कर लेता ये बेसिकली वो उन लोगों के लिए है जो क्रॉस टैक्स अकाउंटेंट बनना जा रहे हैं जो वाकई टैक्स अकाउंटेंट है जिनका काम ही यही है ये उन लोगों के लिए है। हाँ ये, प्रोफेशनल जो है, जो प्रोफेशनल है, ये उनके लिए सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ये आम आदमी के लिए नहीं और कोई सवाल किसी का अस्सलाम वालेकुम हां जी वालेकुम सलाम जी मैं इम्तियाज बात कर रहा हूं जी जी इम्तियाज साहब आपकी आवाज आ रही जी जी आ रही अच्छा मेरा मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह एफबीआर ने एक अपनी साइट पे डिटेल दी हुई है अपने तमाम जो आईआरआईएस आई आईआरआईएस की जी, बात I -I कर रहे हैं सर जी जी तो उसमें हमें पूरी डिटेल मिल जाती है जो भी Taxable income क्या है और सारी चीजें जो भी हैं जितनी उनकी तो इस तरह की इनकी से हम कोई ले सकते डाउनलोड कर सकते हाँ, वो कर... की जो माई, माई, कल की, कल के के में थे नहीं, आप मैं हुआ था, कहीं, गय, था। हाँ, कल मैं सारे मैंने नहीं डिटेल्स मैंने मैंने बताई उसके

जी टेक्निकल सवाल आ गया अब्दुल रहमान साहब यस जी अब्दुल रहमान साहब आपने हैंड रेस की है अब्दुल रहमान गलती से रखता बनाने कर दिया हैंड रेस सर ये स्क्रीन आई थिंक डिसअपेयर हो गई है स्क्रीन या हो गई नहीं तो स्क्रीन तो शेयर है सबके पास डिसअपेयर है कि किसी एक के पास ही है नहीं सर स्क्रीन नजर आ रही है अच्छा वो फिर उनका नेट स्लो हो गया होगा अच्छा आप लोगों के पास वो स्कीम ऑफ स्टडी है सबके पास जी जी सर कोर्स आउटलाइन हाँ कोर्स आउटलाइन है आपके पास जी ठीक जी। है अब कोर्स आउटलाइन के मुताबिक आज हमने कवर करना था आइडेंटिफिकेशन पेज वो मैंने कवर कर दिए अब मैं यह करूंगा कि ये आज की जो दो क्लासेस थी बेसिकली डेमो का पार्ट थी तो इसलिए आपको जो लोग जो पेड नहीं थे उन्होंने भी क्लास ले ली आज की ये वाली और वो लोग जो ऑलरेडी फी पे कर चुके हैं उनके पास ऑलरेडी सारी डिटेल्स हैं तो मैं एक बनाऊंगा अपना गूगल ड्राइव का एक सॉफ्ट गूगल ड्राइव का एक ड्राइव बनाऊंगा गूगल ड्राइव पे जाके और उस पर यह सॉफ्टवेयर जो है ना ट्रायल वर्जन का वो वहां पर जाके डाल दूंगा और आप सब लोग मुझसे एक्सेस ले सकते हैं वहां से वहाँ से डाउनलोड करके दो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करने हैं इंस्टॉल करने हैं अपने विंडो में और आपने ये सॉफ्टवेयर आपने जो है इंस्टॉल कर लेना है वहाँ पर ठीक है वो सारा आपने इंस्टॉल कर लेना अपने उसके अंदर और उसके बाद आपने आईडी पेज को जो ये आपको मैंने आज सिखाया है उसको आप खुद से फिल कर सकते हैं आई टी जिस तरह मैंने फ़िल किया जिस तरह मैंने आपको डिटेल में बताया ठीक है तो आपने क्या करना है आपके दो काम है यहाँ पे आज पूरे वीक के लिए नेक्स्ट एक तो आपने सॉफ्टवेयर को थोड़ा एक्सप्लोर करना है और सेकेंडली जो है आपने क्या करना है जितनी भी स्लिप्स हैं उनका भी मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ आज तो उन स्लिप्स के बारे में भी आपने देखना है फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर उसके अंदर जो है हम एक सिंगल रेजिडेंट की रिटर्न भी बनाएंगे और आर एस पी कंट्रीब्यूशन रूम को भी डिस्कस करेंगे कि आर एस पी कंट्रीब्यूशन क्या होती है और उसका रूम क्या होता है और उसके नेक्स्ट लास्ट में फिर हम एक और रिटर्न बनाएंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट स्लिप्स को जो है वो रिपोर्ट करेंगे उसके अंदर जी मलिक साहब जी, जी आपने हैंड जी वालेकुम सलाम साथ ही जब स्पाउस की डिटेल हम आइडेंट करते हैं तो इज इट इंपॉर्टेंट इन कनाडा के स्पाउस का टैक्स रिटर्न

सर uh, मुझे एक चीज पूछनी थी जी जी सर अगर बाय मिस्टेक अगर हम गलत फाइल रिटर्न कर देते हैं तो इसका फिर कोई सॉल्यूशन है इसको किस तरह हम करेंगे दोबारा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना सर जैसे बाय मिस्टेक हमने गलत आ, किसी का रिटर्न फाइल कर दिया ना अहाँ. तो उसको हम किस तरह सही करेंगे वो सही हो सकता है चेंज हो सकता है वो जी जी अमेंडमेंट फाइल करेंगे उसके बाद फिर उसके जी. लिए

हर जगह पे ये ऑप्शन होती है कि आप अमेंडमेंट फाइल कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं उसको आप कहते हैं जी कि ये गलतियां थी मेरी ये सारी चीजें थी मैं कोई इनकम रिपोर्ट करना भूल गया इनकम डाल सकते हैं कोई क्रेडिट आप क्लेम करना भूल गए वो डाल सकते हैं सिंपल इज दैट गलती हुई है तो अमेंडमेंट फाइल होगी और गलतियां होती हैं अमेंडमेंट रिटर्न फाइल ही होते हैं फाइल रिटर्न करने के अच्छा इसके अब डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है

इसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं अगर आप ये फॉर्म मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे फॉर्म्स जो हैं या इनके नाम आ रहे हैं यहाँ पे तो ये सब ये... आप करवाएंगे कोर्स में ये सब करवाएंगे आप जी सारे फॉर्म्स जो है मैं आपको, मैं आपको आपको बेसिकली फेडरल और Ontario लेवल के ऊपर जो रिटर्न फाइल होती है वो सिखा रहा हूँ इसके अंदर जी 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 ये सारे जो रेड और सर लीव ये फेडरल के सारे फॉर्म है ये सारे जो रेड आ रहे हैं सारे फेडरल के फॉर्म है और इसके अंदर बाकी प्रोविंस के फॉर्म भी बैक के अलावा नहीं है इसके अंदर ठीक है और ये जो आ रहे हैं फॉर्म ये वाले जो साइन के साथ ये ओंटारियो के फॉर्म है सारे जी जी सर आप इसके रिकॉर्डिंग भी देंगे ना साथ में हम्म ये सारे लेक्स रिकॉर्डेड हैं ये आप जो अभी भी चल रहा है सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं और जो आईसीटीज़ है वो आपको पोर्टल पे एक्सेस दे देगी वहां से आप कर सकते हैं देख सकते हैं जी 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 थैंक यू बस मैंने कहा और कोई सवाल नहीं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं हमारे पास पंद्रह मिनट बाकी हैं सवाल अगर आपने करना है तो कर सकते हैं उसके बाद मैं मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू देना है फिर मैंने आगे जो है वो स्टेप नेक्स्ट क्लास में नेक्स, रिटर्न पूरी बनाकर दिखाऊंगा आप लोगों को मैं अच्छा हमेशा आपने सीआर का दामन जो है वो नहीं छोड़ना सीआरए के दामन को आपने हाथ में पकड़ के रखना है अगर आपने क्रेडिट टैक्सेस सीखने हैं तो इसमें देखिए सारी स्लिप्स की डिटेल्स दी हैं मैंने आज ये स्लिप मैंने ये सीआर की साइट खोली ली है मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ और बल्कि मैं इस, जो लिंक है ये मैं इसको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर ही ताकि आप बाद में देख सकें या भी आप इसे कॉपी पेस्ट करके अपने पे खुद को शेयर कर सकते हैं जब तक तो क्लास चल रही है तो उट टी फोर स्लिप बेसिकली तो तो हाँ तो होती है टी फोर स्लिप जो भी किसी के पास आप काम करें जो भी आपको मुआवजा मिल रहा है उसका उसके बदले आपको ये स्लिप इशू की जाती है किसी का माइक ओपन है वो डिस्टोर्शन हो रही है मलिक साहब आपका माइक मैं म्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये स्लिप है बेसिकली आपके सामने आपकी स्लिप स्क्रीन शेयर हो रही है वाली जो मैंने ये जो खोली है विंडो अभी मेरे ख्याल है नहीं हो रही क्या हो रही है नहीं हो रही है ये हो रही है हो रही है एक सेकंड मेरे ख्याल वो वाली नहीं हो रही है। आपको दूसरी शेयर स्क्रीन हो रही थी पर पहले वाली हो रही है दूसरी ये अब हो रही है ये वाली अब हो रही है ना ठीक है ये वेबसाइट है मैंने लिंक शेयर कर दिया अभी इस मैसेज के अंदर ही जब कॉपी पेस्ट करके अपने आप को फॉरवर्ड कर सकते हैं ठीक है और योर स्क्रीन नॉट शेयर मलिक साहब आपकी साइड पे कोई इशू आ रहा है आप देखें मैंने तो दूसरी वाली शेयर की है वो शो हो रही है आपको हाँ जी अब बोरी चले वेरी गुड आप नेट चेक करवाएं नेट थोड़ा स्लो हो सकता है आपका तो क्योंकि अगर सारों को शो हो रही है ना फिर आपको भी होनी चाहिए या तो सारों को शो ना हो फिर अच्छा जी ये सारे स्लिप्स के नेम दिए हैं यहाँ पर और ये टी फोर्स स्लिप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए जो कि एम्प्लॉयर इशू करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सी मतलब सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वो प्रोवाइड कर रहा होता है सी को बाई वीकली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर टी फॉर स्लिप जो होती है बेसिकली वो दी जाती है किसी भी एक एम्प्लॉ को जो किसी रेमोनिशन के लिए सैलरी के लिए कोई बोनस दिया जाता है उसको या कोई भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसके लिए जो है की जाती है ये इसका एक लेआउट है टी फॉर स्लिप का स्टेटमेंट ऑफ रेमोनोरेशन यहाँ पे एम्प्लॉयर का नेम आता है यहाँ पे इम्प्लॉयज़ की डिटेल्स आ जाती हैं यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सोशल इंश्योरेंस नंबर आ जाता है यहाँ पे ग्रॉस इनकम आती है जो टोटल आपकी पूरे साल की इनकम होती है यहाँ पे आपका सी पी आ जाता है कैनाडा पेंशन प्लान उसके बाद आपका फर्दर ई आई कितनी आपकी इंप्लायमेंट इंश्योरेंस डिडक्ट हुई है वो आ जाती है उसके बाद आपका अगर कि आपने आर पी पी में कंट्रीब्यूशन किया रजिस्टर्ड पेंशन प्लान ये सारी चीज़ें हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ये सारा आ जाता है उसके बाद इनकम टैक्स कितना विधहेल्ट हुआ आपका पूरे साल पे वो आ जाता है आपका फिर ठीक है जी आपका इंप्लाइज की पी पी कंट्रीब्यूशन क्यूपीपी की हमेशा से जो है ना क्योंकि सेपरेट है उसका सारा मामला तो उन्होंने एक ऑप्शन रखी हुई है क्योंकि ये हम ऑन बेस पर रहे हैं तो हम इस क्यू को सिंपली सिंपली इग्नोर करेंगे इसको हम यहाँ नहीं देखेंगे ठीक है तो इम्प्लॉज सेकेंड क्यूपीपी ये सी पी पी और क्यू पी पी दोनों के लिए क्यू पी पी के लिए सी पी पी के लिए नहीं है क्यूपीपी का मतलब है क्यूबैक पेंशन प्लान तो हम पढ़ रहे हैं ऑनटारियो को तो वो उन बाकी जितने भी प्रोविंसेस हैं कि के अलावा सारे इलाके हैं फेडरल के साथ तो उसमें फेडरल में सारे पैसे जमा होते हैं ठीक है जी फिर सीपीपी पेंशन प्लान यूनियन ड्यूज और चैरिटेबल डोनेशंस और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ये बेसिकली एक, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि सारे एम्प्लॉयर फॉलो करते हैं पूरी कनाडा के अंदर और जब उन्होंने अपने इंप्लॉयज की डिटेल्स जो सैलरी दे रहे हैं जो टैक्स विद होल्ड कर रहे हैं जो पेंशन उसके ऊपर डिटेक्ट कर रहे हैं जिस तरह हमारे यहाँ प्रोविडेंट फंड होता है या उसके ऊपर जो ई आई इंश्योरेंस की प्रीमियम जो पे कर रहे हैं वो सारा यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे किसको वो बाई बाई वीकली बेसिस पे वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं और बाद में पूरे साल के बाद एक इन्फॉर्मेशन रिटर्न रिपोर्ट की जाती है बनाई जाती है जिसकी बेस के ऊपर वो सारे डिटेल्स जो है वो बताते हैं लम सम की सारा टोटल इतनी इनकम ली इसने टोटल इतना इसका टैक्स भी होल्ड हुआ टोटल इतनी पेंशन कटी है इसकी और टोटल इसका इसका जो है ना एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का प्रीमियम पे हुआ तो वो सारे का सारा यहाँ पे आ जाता है और ये एक फाइल एक यही रिटर्न सी के साथ फाइल हो जाती है इसके कहते हैं इन्फॉर्मेशन रिटर्न और एक इसकी कॉपी आपको दे दी जाती है जो टैक्स पेयर होता है फिर वो अकाउंटेंट को देता है और अकाउंटेंट इसकी सारी फिगर्स को रिपोर्ट कर देता है टैक्स रिटर्न के अंदर ठीक है तो ये मैंने आपसे एक लिस्ट शेयर कर दी है अब इसको इन डिटेल भी पढ़ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं तो जब भी आपको चीज़ समझना है तो आपने सी आर ए की वेबसाइट पे आना है मोस्ट ऑथेंटिक यही है और यहीं से आपने इस्तफा जो है वो लेना है सारी चीजें यहीं से पढ़नी है कोशिश करें सी आर आ को मोस्टली प्रेफर करना आपने अब देखिए उसने बताया व्हाट टू रिपोर्ट कि इसके ऊपर रिपोर्ट करना क्या है बेसिकली जो सैलरीज वेजेस हैं जो आपको मिल रही हैं टिप्स जो मिल रही हैं बोनसेस मिल रहे हैं वेकेशन पे मिल रही है एम्प्लॉयमेंट कमीशन मिल रही है इंश्योरेबल अर्निंग्स मिल रही हैं टैक्सेबल बेनिफिट्स आपको और रहे हैं रिटायरिंग अलाउंस आपका फिर डिडक्शन विद हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर हुई है वो आपको पे बैक होगी वो 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 आ गई है पेंशन एडजस्टमेंट भी आपकी हुई है सिक्योरिटी ऑप्शन बेनिफिट्स की प्रोवाइड किए गए था तो वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पे टी फोर स्लिप के ऊपर लिख दी जाएगी और सीआरए को रिपोर्ट कर दी जाएगी और आपने यही सारे डिटेल्स अपनी टी फोर स्लिप से उठा के एज अकाउंटेंट आपने अपने क्लाइंट की उसकी रिटर्न पर रिपोर्ट कर वट आर द गाइडलाइंस फॉर फॉलोइंग द आउट स्लिप्स ये बेसिकली आपको मैंने बताया था कि अकाउंटेंट जो है बेसिकली वो आप कह लें कि दो तरह के हैं एक अकाउंटेंट वो है जो टैक्स रिटर्न बना रहा है इनकम टैक्स रिटर्न बना रहा है या सेल्स टैक्स रिटर्न बना रहा है दूसरा वो है जो पेरोल का अकाउंटेंट है तो इन्होंने जो डाटा प्रोवाइड किया हुआ है वो दोनों सेंसेज में किया हुआ है टैक्स अकाउंटेंट की सेंस में भी और पेरोल अकाउंटेंट की सेंस में भी तो ये जो लिखा हुआ है वट आर द गाइडलाइन टू फाइलिंग आउट स्लिप्स ये बेसिकली पेरोल के लिए बेसिकली जो पेरोल काउंटेंट है उसके लिए डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड किए हुई अब उन्होंने सारे बॉक्सिस को यहाँ पे मजीद जो है वो डिफाइन भी किया हुआ कि ये जो आप ऊपर स्लिप देख रहे हैं टी फोर स्लिप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें बॉक्स फोर्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन है ट्वेंटी फोर एटीन सारी तो अगर आप यहाँ नीचे आते हैं यहाँ पर तो आप हर बॉक्स की डिटेल्स को पढ़ भी सकते हैं इस तरह ईयर के बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो लिखा एंटर द फोर डिजिट ऑफ कैलेंडर ईयर इन विच यू मेड द पेमेंट टू द एम्प्लॉय 2019, 2020, 2021. अब जहां जिस तरह 24 खत्म हो रहा है तो अब जिस तरह चौबीस खत्म स्लिप्स फाइल होंगी और टी फोर स्लिप फाइल करने की डेडलाइन जो है वो फेब्री एंड होता है फेबरी की लास्ट जो होती है वो होती है ठीक है इसके बाद एम्प्लॉयर का नेम क्या होगा वो लिखेंगे इम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम लिखेंगे उसके बाद बॉक्स टेन है प्रोविंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा ऑनटारियो सारे लिखेंगे उसके अंदर जो भी प्रोविंस होगा सोशल इंश्योरेंस नंबर के बारे रिपोर्ट किया जाएगा और एग्जैम्ड सी पी पी जो कुछ है सारा मतलब सारी बॉक्सेस की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई उसको डाउन करते जाएंगे तो सारा उन्होंने सी की पब्लिकेशन है जो उन्होंने डिटेल दी है अब सिंपली अब यहाँ पे आता हूँ मैं ऊपर वापस और यहाँ आके मैं सिर्फ टी फोर समरी पे भी क्लिक करता हूँ टी फोर ए स्लिप पे मैं क्लिक करता हूँ अब मैं टी फोर ए स्लिप ऐसे क्लिक किया तो उसने मुझे टी फोर स्लिप की डिटेल्स मेरे सामने लिया कि टी फोर स्लिप क्या है टी फोर स्लिप बेसिकली एक ऐसी स्लिप है जो पेंशन के लिए आ, अदर पेमेंट्स के लिए एनटीज़ के लिए इस तरह की चीज़ों के लिए जो अब इशू की जाती है या फिर आप अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है सब कॉन्ट्रैक्टर सूरत में इशू की जाती है ठीक है ये सारी डिटेल्स जो यहाँ पे दी हुई हैं अगर आप मैं यहाँ आपको ले आऊँ सॉफ्टवेयर के ऊपर और यहाँ फॉर्म पे क्लिक करूँ और टी फोर मेरे ख्याल आपको ये शो नहीं हो रहा होगा ये सॉफ्टवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर को भी रहने दें आप। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा अच्छा टी फोर ए के ऊपर जो है ये देखिए टी फोर ए की स्लिप है और इस टी फोर ए की स्लिप में मालिक सब अपना माइक म्यूट कर लें किसी का माइक ओपन है डिस्टोर्शन हो रही है मैं क्वेश्चन आंसर आपके एंड पे करता हूँ अभी ठहर जाए अच्छा जी इसमें अब ये देखें कि पेयर्स नेम है उसके बाद ये आ रहा है आपका यहाँ पे आ रहा है उसके बाद आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर आ रहा है फिर आपका जो है ये यहाँ पे पेंशन और सुपर एनुएशन में बात कर रहा था इनकम टैक्स जो तो आपका विधाउट डूबा लमसम पेमेंट भी तो आपको मिली है पेंशन की मत में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड आपने कहीं पर काम किया है एज ए एम्प्लॉय नहीं एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर तो वो पैसे मिले अगर आपने किसी की कोई कोई कमीशन कमीशन मिली या फी फॉर सर्विसेज आपको रिसीव हुई है तो यहाँ आ जाएंगी तो ये उस सूरत में इशू होती है जब आप एम्प्लॉई नहीं होते आप सब कॉन्ट्रेक्टर होते हैं ठीक है उस तो सूरत में जो है वो टी फोर ए स्लिप जो है वो इशू होती अब अगर मैं टी फोर ए स्लिप के अंदर जाऊँ फर्दर दे डिटेल्स देखूँ तो इसमें भी उन्होंने सारा दिया हुआ यहाँ के वट टू रिपोर्ट हाउ टू रिपोर्ट हाउ टू फिल आउट अगर मैं इस क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने सारी लिस्ट दे दी मुझे कि टी फोर ए के ऊपर बेसिकली आएगा क्या पेंशन या सुपर एनुएशन लमसम पेमेंट आएगी सेल्फ एम्प्लॉयड कमीशन आ जाएगी एन्यूट आ जाएगी पेट्रोनेज एलोकेशन की पेट्रोनेज देखना पड़ना क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में सर रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग्स आ जाएंगी आर ई एस पी एजुकेशन असिस्टेंस आ जाएंगी फीस और अदर अमाउंट फॉर सर्विसेज आ जाएंगी इनकम रिप्लेसमेंट आ जाएगी रिसर्च ग्रांट्स आ जाएंगे पेमेंट फ्रॉम द रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सेविंग्स प्लान आ जाएंगी वेज लॉस रिप्लेसमेंट प्लान आ जाएगा

तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं उसकी क्वेर, इससे से रिलेटेड और वो मैं आपको answer तो आज की क्लास यहीं पे जो है वो एंड होती है कोई question अगर आपका मज़ीद है तो आप पूछ सकते हैं आ, अच्छा सर टाइमिंग के हवाले से आप अभी बात कर रहे थे और अगर ये थोड़ा सा अर्ली हो सकती है क्लास तो ये मेरे लिए खास तौर पर कन्वीनियंट होगा

जी बिल्कुल हाँ जी सर बस क्या इससे भी थोड़ा सा अर्ली किया जा सकता है तो अर्ली कर लें आ, क्योंकि नॉर्मली सबके सैटरडे या हाफ डेज होते हैं या ऑफ्स होते हैं तो अगर सात बजे से भी थोड़ा अर्ली कर लें तो ज्यादा सूट करेगा बट सबसे कंसर्न ले लें छ बजे कर लें फिर छ से लेके साढ़े सात बजे तक जी जी बिल्कुल सर जी छह से साढ़े कर लें ये टाइम सूट करेगा अच्छा बाकी लोग भी बताएं बाकी लोग भी अपनी राय दें ताकि आइडिया हो किसी को इशू तो नहीं इस टाइमिंग से मेरे ख्याल में सेवन या सेवन थर्टी ज्यादा बेहतर रहेगा क्यों आप सैटरडे को इशू होता है आपको कोई इम्तिया साहब कहीं ना कहीं कोई काम भी होता है बंदा आया गया आना जाना होता है तो सेवन तक तो नॉर्मली पारिक हो जाता है आदमी सैटरडे को फिर सेवन कर लेते हैं और संडे को जो है वो छह बजे कर लेते हैं ऐसा कर सकते हैं हम लोग बल्कि टाइम एक ही रखें टाइम डिफरेंट ना करें सेवन सेवन के ऊपर सारे मुत्तफिक हैं सेवन के ऊपर यस सर हाँ जी yes, मलिक साहब आप भी बता दें सेवन आपके लिए आसान है सात बजे दिन भी छोटे हैं तो सिक्स तो पता ही नहीं चलता सिक्स हाँ सात बजे ठीक है सात बजे ठीक है सात बजे टाइम जी ठीक है सात बजे ठीक है ठीक है सात सात बजे ठीक है और कोई जो कोई टाइम के हवाले से किसी को कंसर्न है तो आप भी बता सकते हैं एक बार अगर टाइम डिसाइड हो गया तो फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो अभी किसी को कंसर्न है टाइम से टाइम के हवाले से तो भी आप प्लीज जो है ना लाजमी अपना माइक अनम्यूट करके बताएं बोलें जी सब एग्री हैं सात बजे मैसेज करते हैं वो लोग जो माइकन म्यूट निकल जो शर्मिले हैं थोड़े से वो मैसेज में भी बता सकते हैं कि यस सारे जल्दी से मैसेज कर दें सर इसकी एक वोटिंग काउंट कर लें व्हाट्सएप ग्रुप जो लोग हैं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि टाइम स्लॉट्स किसको क्या सूट हैं दो शॉर्ट मैसेज मैसेज पे तो दो मिनट में पता चल जाना अभी आप सभी यहाँ पे मैसेज करते हैं कि सेवन ओके सेवन ओके कुछ भी करके सेवन लिख के साथ ओके लिख के ताकि वही पता चल जाए अच्छा इतने ज्यादा लोग जो हैं वगैरह एग्री कर रहे हैं यहाँ मैसेजेस की एक ऑप्शन होती है इसके अंदर वो तो फिर रेडमी नहीं करवा सकता है, वहां मैं नहीं करवा सकता जी एक मैसेज आ गया अब्दुल तो रहमान का सेवन ओके इरफान साहब सेवन पी ओके शुब सेवन ओके लेट नाइट पॉसिबल ये कौन है लेट नाइट वाला एच नहीं एच पी लेट नाइट नहीं हो सकता एच पी आपका नाम क्या है सदाम सेवन ओके एक बजे ने कहा बीच में कि सिक्स थर्टी भी ठीक है ठीक है इफ्तार अली खान ठीक है लेट नाइट नहीं हो सकता इफार साहब ठीक है तो मेजोरिटी का जो है वो सेवन का जो है वो ठीक है तो मेरा ख्याल सेवन के साथ हम जा सकते हैं एट सेवन पी एम अगर आपने बहुत अर्ली करना तो फिर मॉर्निंग में भी कर सकते हैं वो भी एक ऑप्शन है सैटरडे संडे को लेकिन ये है कि उससे सारा दिन आपका बच जाएगा फिर आपका जो दिन इस तरह शाम में होता है ना कि आप कहते हैं कि यार मैं बांधा गया हूँ मैं आप क्या करूँ अगर मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में कर लें तो उसमें ये बेनिफिट होगा कि सब लोग पहले टाइम में क्लास लेके उसके बाद सब आज़ाद हैं जहाँ मर्जी जाए जो मर्जी करें उस तरह की कोई ऑप्शन है आपके जेन में अगर आप करना आ, चाहते हैं तो नहीं सर एक्चुअली कुछ के ऑफिसेज होते हैं मेरा भी ऑफिस है तो इसी मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है सैटरडेज को इसी सात बजे मेरे खाद से कर लें वो सबके वो सूट कर रहे हैं हाँ सात बजे तक सारे ऑफिस से हाँ हा, सैटरडे को ऑफिस से भी आ कुछ लोग जाते हैं ठीक है चलिए जी ठीक है डन हो गया नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वीकेंड के ऊपर सैटरडे संडे को वो सेवन पी से स्टार्ट होगी और एट थर्टी ख़त्म होगी ठीक है ओके जी अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीकेंड पर